Hello everyone, welcome to Avanti Classes. My name is Manjeet Bhardwaj. I'm your chemistry lecturer. आज हम पढ़ने वाले हैं chemical equilibrium का lecture number 4. ठीक है, तो चलिए इसको start करते हैं. टेबल ऑफ कंटेंट, सबसे पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, रिलेशनशिप बिटवीन के सी एंड क्यू सी, ये हम पहले भी कर चुके हैं. रिलेशनशिप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारे लिए नया होगा. एग्जाम्पल ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इसके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे. और थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है ये भी पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो नए टॉपिक एक्चुअल में दिस वन एंड दिस वन, दीज आर द न्यू टॉपिक्स. बाकी जो है हम थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको थोड़ा डेप्थ ऑफ द इक्विलिब्रियम पता लगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, अल्फा क्या होता है भाई? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है अल्फा. तो अल्फा और कुछ भी नहीं है, जैसे आप लोग परसेंट निकालते हैं, है ना? तो परसेंट कैसे निकालते हैं? परसेंट निकालते हैं गिवन जितने भी आपके मार्क्स गेन होते हैं आपके, है ना? तो मान लीजिए गिवन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, यही होती है परसेंटेज. सबको पता है टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई में होता है 100, है ना? परसेंट का मतलब देखिए क्या होता है, परसेंट, पर का मतलब डिवाइड होता है, और सेंट, सेंट का मीनिंग होता है 100, 100 में से, और पर का मतलब होता है डिवाइड. ठीक है, कि 100 में से कितने पर 100. ठीक है, पर को हम डिफाइन भी नहीं करेंगे, छोड़ो. 100 में से कितने, अब अगर मैं आपको कहूं कि एक में से कितने, 100 में से आपको पता है, बट एक में से कितने, तो क्या करें? 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से मल्टीप्लाई मत करो, एक से मल्टीप्लाई कर दो. मतलब यही हो जाएगा आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ठीक है, इसी को अल्फा बोलते हैं. तो अल्फा क्या है, अब जरा अल्फा देखिएगा कि अल्फा क्या चीज है. ठीक है, अल्फा इक्वल, अब ध्यान से देखना कि मैं अल्फा के बारे में क्या लिख रहा हूं. तो अल्फा इक्वल क्या होता है, गिवन, या फिर हम यहाँ डिसोसिएशन की बात करें तो डेफिनेटली हम डिसोसिएशन लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कौन से मोल्स, डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स जो कि डिसोसिएटेड है, नंबर ऑफ मोल्स जो डिसोसिएटेड है डिवाइड में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल मोल्स. यस गाइस, ये फॉर्मूला समझ में आया? 100 से मल्टीप्लाई मत कीजिए, बस आपका अल्फा बन गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बन गया. अगर 100 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये अल्फा की जगह पर क्या बनेगा, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जगह पर परसेंटेज बन जाएगा. समझ में आया क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? इट इज नथिंग एक्चुअली, अगर आप सही तरीके से सोचें तो. बस गिवन मार्क्स बाय टोटल मार्क्स अगर ये कर देते हैं तो इसको बोलते हैं वन में से कितने, है ना? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, ये होता है पर यूनिटी. ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को मैं बोल सकता हूं पर यूनिटी. एक में से कितना, यूनिटी का मीनिंग यहां पर, यूनिटी का मतलब वन है. ठीक है, दैट इज वन. एक में से कितना, कितनवा हिस्सा. ठीक है, एक में से कितने नंबर आए, मान लो मैं आपको बोलता हूं कि 100 में से आपके 90 नंबर आए हैं. एक दूसरा सब्जेक्ट है उसमें 100 में से 60 मार्क्स आए हैं. देखो ऐसा है, 90 मार्क्स प्लस 60 मार्क्स, आपके दो सब्जेक्ट थे, दोनों के टोटल आपने मार्क्स कैलकुलेट किया 150. ठीक है, तो ये तो आ गया गिवन मार्क्स, 150 आपके गिवन मार्क्स है, डिवाइड में आ गया टोटल मार्क्स 200. तो अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये परसेंट बन जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आपके आ गए 75%. सिंपल परसेंटेज का फॉर्मूला, क्लियर है ये सबको, है ना? अब दूसरा देखते हैं. ओके, अब दूसरा देखें परसेंटेज के अलावा. अगर मैं कहूं कि एक में से कितने नंबर आए आपके, तो आप कहोगे टोटल मार्क्स हैं जो गेन किए हैं वो 150 हैं, टोटल मार्क्स हैं 200, मल्टीप्लाई में 1, एक में से कितने, मतलब मल्टीप्लाई में 1 कर दो, ये आपका अल्फा आ जाएगा एक हिसाब से. तो कितने आएंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 15/20, तो ये बनेगा 4, नहीं ठीक है, 4 और 3, ठीक है 3/4. 3/4 कितना होता है, 0.75, एक में से आपके 0.75 मार्क्स हैं, 100 में से आपके 75 मार्क्स हैं. तो अगर इसी 0.75 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 75% आ जाएगा, 100 में से 75% है,
एक में से आपके 0.75 है, दैट इज अल्फा, एक में से कितने, वो अल्फा है। तो सिंपल सी बात है, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो आपके पास में जो परसेंट निकालते हैं उसी फॉर्मूले में 100 से मल्टीप्लाई मत कीजिए, तो वो आपका 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो आपका क्या आ गया, अल्फा आ गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यस, समझ में आ गया अभी सबको ये, ठीक है। अब बात करते हैं ऊपर, देखिए इसकी डेफिनेशन लिख रखी है, ऊटपटांग सी डेफिनेशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज द फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल डिसोसिएटेड इनटू द प्रोडक्ट। ये क्या बोल रहा है, फ्रैक्शन है जो हमने मतलब 1 मोल में से कितना डिसोसिएट हुआ प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, तो वो है फ्रैक्शन। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, PCl5 PCl3 प्लस Cl2, ये 3 चीजें हैं आपके पास, ठीक है, इसी को बोलेंगे डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब एक चीज 2 टुकड़ों में टूट गई, दैट इज डिसोसिएशन। डिसोसिएशन की डेफिनेशन याद रखिएगा, डिसोसिएशन क्या होता है कि एक चीज 2 हिस्सों में बट रही है, ये डिसोसिएशन है। तो PCl5 जो है वो डिसोसिएट हो गया, 2 हिस्सों के अंदर डिसोसिएट हो गया, एक का नाम है PCl3, दूसरे का नाम है Cl2, ठीक है। तो इस तरह से PCl5 जो है वो 2 टुकड़ों के अंदर बट गया। तो कोई चीज अगर डिसोसिएट हो रही है, 2 टुकड़ों में बट रही है, उसी को बोलते हैं डिसोसिएशन, दैट्स इट, नथिंग स्पेशल इन इट, ठीक है भाई। तो ये चीज सबको समझ में आ गई होगी आई थिंक, इसमें किसी को डाउट है तो बताइए, anyone have any doubt in this area, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है बेटा सबको, ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं अब जरा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्लियर हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अगर 100 से, देखो इन्होंने लास्ट में क्या कर रखा है, परसेंट डिसोसिएशन अगर निकालने हो, परसेंट डिसोसिएशन, अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज बन जाएगी। ये हमने अभी भी देखा कि अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई करने पर परसेंटेज सच में बन जाती है ना, परसेंटेज में क्या होता है, बस 100 से मल्टीप्लाई तो नहीं किया होता, अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो वापस परसेंटेज बन जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो ये एरिया नहीं भी देखेंगे तो भी चलेगा, देखेंगे तो भी चलेगा, चॉइस इज योर्स, ठीक है, तो दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं, अब एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ इन्होंने, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के अंदर ये है गिवन डाटा, ये वाला डाटा जो है ये गिवन है, ये गिवन है। वो क्या बोल रहा है, PBr5 था, PBr3 बना, Br2 बना, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ, PBr5 वो बन क्या रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, PBr3 प्लस ब्रोमीन बन गया, ठीक है। तो ये बोल रहा है इनिशियली एट टाइम T0, जब टाइम 0 था, मोल्स ऑफ PBr 10 थे, इसने बोला ये 10 मोल थे ये वाले, ठीक है, और इनके मोल 0-0 थे क्योंकि अभी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई थी, ठीक है। कुछ देर बाद क्या होगा, अब ये स्टेप 2 है, ये वाला देखो वो कह रहा है, वो भी इसने गिवन ही दिया कि 5 मोल PBr जो है, मोल ऑफ PBr 5 है, यानी इसके 5 मोल रह गए, ठीक है। अब ये याद रखना, 5 मोल रह गए और इसके कितने बनेंगे, ये कैसे डिपेंड करता है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन पर डिपेंड करता है। अभी ये इसका 1 मोल है, तो अगर ये 1 मोल टूटता है तो यहाँ 1 मोल PBr3 बनेगा और 1 मोल Br2 बनेगा, मतलब 2 मोल बनेंगे, इसका 1 मोल टूटने से 2 मोल बन रहे हैं, दोनों के अलग अलग एक एक मोल। तो इसके अगर 5 मोल टूट रहे हैं तो इसके 5 मोल अलग से बनेंगे और इसके 5 मोल अलग से बनेंगे। यस, ये बात समझ में आई सबको, यस सर, ठीक है। अब मैं इसका एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि बहुत टिपिकल सा आसान, कुछ ज्यादा इजी हो गया, शायद इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है जब आप दोबारा खुद करने बैठे तो, है ना। तो हम डिसोसिएशन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे अमोनिया ले लिया हमने, NH3, अमोनिया जो वो डिसोसिएट हो जाता है N2 और H2 में, ठीक है, H2 लगेंगे 3 और NH3 होगा 2 और ये होगा 1। तो ये हमें पता है कि मान लो कि इसके मेरे पास 10 मोल थे, 10 मोल में से इसमें से 7 मोल मेरे पास बच गए, 7 मोल, तो इसके कितने मोल बढ़ेंगे, इसके 10 मोल में से अगर 7 मोल बढ़ गए हैं, ठीक है, 7 मोल अगर इसके बच गए हैं, तो इसके 3 मोल बढ़ेंगे, 3 मोल घटे ना इसके, तो इसके 3 मोल बढ़ेंगे और इसके कितने बढ़ेंगे, 6 मोल। यस, ये समझ में आया, यस सर, है ना। तो ये इस वजह से ऐसा होता है, तो सिंपली हम ये कह सकते हैं, बट यहाँ पर भी है कि ये डबल लगा हुआ है ना, ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसको अगर सही तरीके से समझा जाए तो हम इसको जरा ऐसे समझेंगे पहले, सुपोज इस एग्जांपल को बिल्कुल सही तरीके से, और ये हर जगह आपको ये एग्जांपल वो करना पड़ेगा,
अप्लाई करना पड़ेगा हर जगह पर, ये चीज आपके सामने आएगी। तो मान लो कि इसके 10 मोल की जगह पर मैं ले लेता हूँ कि इसके पी मोल थे, जो भी है पी मोल, ठीक है, या ए मोल ले लेते हैं हम इसके, इसके ए मोल थे, ए इक्वल 10 है, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि ए इक्वल टू 10 है। तो मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर टाइम पर, ये यहाँ पर टाइम था 0, अब टाइम मान लो इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम वाले टाइम के ऊपर क्या होगा, तो ए मोल में से एक्स मोल घट जाएंगे, सपोज दैट, तो एक्स नहीं वो 2x घटेंगे, वो डबल स्पीड से घट रहा है, ठीक है। और यहां पर वो एक्स बढ़ेगा और ये 3x बढ़ेगा, ये समझ में आया सबको, 3x ये बढ़ेगा, एक्स ये बढ़ेगा, मतलब अगर वो 2x घटता है तो ये 1x बनता है और ये 3x बनता है। तो मैंने 2x घटा दिया, उसको पहले मल्टीप्लाई कर दिया एक्स से, 2x घटा दिया तो x बना और ये 3x बना। ये बात सबको समझ में आई, यस और नॉट, टेल मी गाइस, क्लियर है यस बेटा ये, ठीक है। तो अब मैं मानता हूं, सपोज जो मैंने सेम एग्जांपल दिया था उसी को, 7 वाला, a माइनस 2x की वैल्यू एक्चुअल में 7 है। अब बताइए x की वैल्यू क्या होगी, a का पता है ना 10 मोल है, a इक्वल 10 मोल, माइनस 2x इक्वल 7, 7 इधर आएगा माइनस में आ जाएगा, 2x उधर चला जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 7 हो गया 3, इक्वल हो गया 2x, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3/2, 3/2। हाँ भाई ये बात समझ में आई, हम खुद ही मान रहे हैं, खुद ही निकाल रहे हैं सिचुएशन को। तो यहां पर x की वैल्यू 3/2 है, 1.5, 3/2 का मतलब 2x कितना हो गया, 3, यानी कि सीधी सी बात है 10 माइनस 3 अभी सही आएगा, ये 7 आ गया, ठीक है। तो यानी कि इसको मैंने 7 ले लिया, जो मैंने 7 लिया था, अब उसको मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ, ये अगर 7 है तो ये कितना होगा, x 1.5 हो गए, यस, और ये कितना होगा, 3x 4.5 हो गए। हाँ भाई समझ में आया, तो मैंने यहाँ बोला था ये 3, ये 7 घटेगा, तो मैंने इसको लिखा था कि ये 3 घट गया, तो यहाँ पर भी 3 घट लिख दिया और वहां पर 3 का डबल लिख दिया था, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होगा। हाँ बेटा ये केस समझ में आया सबको, यस और नॉट, बोलो भाई, यस इफ अगर ये 7 हो तो वो उतना हो जाएगा, और आप इसकी वैल्यू भर के यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये अपने आप ऑटोमेटिकली आएगा। तो यहाँ पर तो देखो ऊपर वाला केस बहुत आसान आपके लिए, ठीक है, इसमें कोई झंझट ही नहीं है, इसने सीधा बोला है कि वो 5 मोल, आधा मोल रह गया, और सारे 1 1 है, देखो ये कोफिशियंट भी सारे 1 1 लगे हुए हैं, तो यहाँ पर भी कोई झंझट नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या है, सिंपली आप ये कह सकते हैं कि यहाँ आने जाने कुछ नहीं है, ये वाला तो बिल्कुल सिंपल हमारे लिए एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ ये 5 मोल रह जाएगा, ठीक है, तो ये भी 5 मोल बनेगा, वो 5 मोल घटा तो ये 5 मोल, 5 मोल बना, ये कुछ ऐसा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल बहुत आसान है, ठीक है, हमने जो एग्जाम्पल लिया है नीचे वाला वो याद करना चाहे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, चॉइस इज योर्स, कोई भी कर सकते हैं, ठीक है भाई आगे बढ़े। हालांकि मैं इसको भी रब कर देता हूँ, है ना, नहीं पढ़ा रहने देते हैं, कोई बात नहीं, नीचे वाला एग्जाम्पल समझना चाहेंगे तो बेटर है। आगे देखिए, थर्ड स्टेप में कुछ नहीं है, इनिशियल इधर उधर लेफ्ट राइट करेगा, ये थर्ड स्टेप वही है जो मैंने आपको ये समझाया कि कौन सा घटेगा, किसमें से क्या घटेगा। आपने यहाँ 3 घटा दिए तो वहां 3 3 नहीं बढ़ रहा, क्योंकि ये डबल, 3 का डबल यानी कि 1.5, हाफ कर दो उसको, तो 1.5 बढ़ेगा, घटेगा असलियत में एक्स की वैल्यू, तो यहाँ एक्स एन तो उसका हाफ ही घटेगा। अगर मैंने यहाँ से 3 घटाया, सोचो 10 में से मैं इसके अंदर आप इसे ध्यान से देख सकते हैं, 10 में से मैंने क्या किया, 3 घटा दिया, तो ये तो डबल है ना, यहाँ पे हाफ है, तो यानी ये बढ़ेगा कितना, 10, 3 का हाफ बढ़ेगा, 1.5 ही बढ़ेगा, ये ऐसा है डाटा, इसलिए एक्स मान के उसको करना बेटर है, वो आसानी से सही डाटा आपके सामने आ जाता है, ठीक है। तो यही वो बता रहा है किसमें से क्या घटेगा, तो इस स्टेप में कुछ नहीं रखा, हम इसको छोड़ सकते हैं, ये हम क्लियर कर चुके हैं। स्टेप नंबर 4 देखो, अल्फा इज द नंबर ऑफ, अब अल्फा वैल्यू निकालनी है भाई आपको, अल्फा, अल्फा कैसे निकालेंगे, जो डिसोशिएट हुए 5 मोल डिसोशिएट हुए थे ना पिछले केस में, इस केस में ये वाला, इस एग्जांपल में तो 5 ही मोल डिसोशिएट हुए, 5 बच गए थे, तो 5 मोल डिसोशिएट हुए, टोटल कितने थे, 10, अल्फा आ गया 1/2 इक्वल टू 0.5। हाँ भाई अल्फा समझ में आ गया सबको, कैसे आया, क्लियर है। यस सर।
अब जरा मुझे आप खुद करके दिखाइए, इसमें अल्फा कितना आएगा, जो हमने एग्जांपल लिया अमोनिया वाला, इसमें अल्फा की वैल्यू बताइए, बता सकते हो कितनी आएगी? जितने डिसोशिएट हुए डिवाइड में टोटल, बताओ जरा कितनी आएगी? बिल्कुल सामने आंसर अमोनिया वाला एग्जांपल में 0.3। हाँ 0.33/10। तुषार ने भी, सचिन ने भी, सबने सही आंसर दिया। यस राइट, ठीक है 3/10। हाँ, और ये सचिन ने बोला नो सर रिपीट, 2x वाला, 2x वाला रिपीट करना, कौन सा रिपीट करना है सचिन बेटा? आई थिंक वो मैं रिपीट भी कर चुका हूँ। सचिन a माइनस 2x, ठीक है, देखो क्या है a माइनस 2x। यहाँ पर मैंने ही आपको ये बोला कि अमोनिया था हमारे पास 2 मोल बन रहा है, ठीक है, टोटल अमोनिया मैंने ले लिया कि वो 10 मोल था, ठीक है, जब टाइम जीरो था तो टोटल अमोनिया 10 मोल था। उसके बाद में कुछ टाइम बाद इक्विलिब्रियम के टाइम पर अमोनिया में से कुछ वैल्यू घट गई, ठीक है, वो कितनी घटी? तो यहां जो 2 लगा हुआ ना, मान लो x वैल्यू घट गई, ठीक है, लेकिन अमोनिया तो डबल रेट से घट रहा है ना, 2x से घटेगा वो, x से नहीं, तो इसलिए मैंने इसको डबल रेट से घटाया। मैंने मान लिया कि कोई चीज x रेट से घट रही है, ठीक है, तो a में से x को माइनस किया, बट अमोनिया का 2 लगा तो वो 2x में से माइनस होगा क्योंकि वो डबल रेट से घट रहा है। नाइट्रोजन जो है वो x रेट से ही बढ़ेगा क्योंकि उसके सामने 1 है, और हाइड्रोजन जो है ये 3 लगा हुआ है इसके सामने, तो हाइड्रोजन जो है वो 3x रेट से बढ़ेगा, हाइड्रोजन यहां पर 3x रेट से बढ़ेगा, इसका मतलब ये है। यस, अभी समझ में आया बेटा? बताइए, ठीक है, ठीक है, तो बस यही था इसके अंदर, एंड नथिंग स्पेशल, बस इतना ही। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब जरा। तो यहाँ अब आपको इसका अल्फा पता लग गया, उसका भी अल्फा भी आपने निकाल लिया। अब अल्फा से अगर परसेंट, कितना परसेंट डिसोशिएट हुआ बताओ भाई? अल्फा पता है कि आपको 0.5 है, तो परसेंट डिसोशिएट निकालना हो तो क्या करें? अल्फा को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इक्वल आएगा, 0.5 को भी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इक्वल आता है वो परसेंटेज के, तो ये कितना आ जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 50%। वैसे भी आपको पता है, सोचो, वैसे भी आपको पता है कि भाई 10 मोल था, 5 मोल रह गया, तो 50% डिसोशिएट हो गया, सीधा दिख रहा है इस एग्जांपल में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट जब कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आती है तो आप सीधा चेक नहीं कर सकते, तब आपको अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अमोनिया वाले केस में अभी आपने बताया 0.3 आ रहा था ना इसका अल्फा, है ना, अल्फा 0.3 आ रहा था, तो इसके अंदर कितना परसेंट है भाई? 0.3 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, कितना आएगा? 30% it will dissociate। तो हमने जो example लिया वो थोड़ा complicated है, but मजेदार वही है, उसी को करने में आपको आगे numericals की समझ आएगी, ठीक है? तो ये वाला example, ये page आपके लिए important है, याद रख लेना। Next देखते हैं बेटा, तो degree of dissociation समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है, बस total mole जितने dissociate हुए, नीचे total mole जितने हैं, बस इतनी सी बात है, इनटू 1 होता है वो, 100 करेंगे तो परसेंट आ जाएगा, और डायरेक्ट इतना रखेंगे तो वो उतना ही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अल्फा जो होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है, वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। 1 का मतलब है 100%, ये देखो 0 का मतलब है नो डिसोसिएशन, कुछ डिसोसिएट हुआ ही नहीं। 1 100 से मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा की वैल्यू 1 है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे 100% आ जाएगा, तो 100% डिसोसिएशन। तो यानी अल्फा अगर 0 है तो यानी नो डिसोसिएशन, अल्फा की वैल्यू अगर 1 है तो 100% डिसोसिएशन, दैट्स इट, नथिंग स्पेशल इन दिस, ठीक है। आगे बढ़े अब, तो फर्स्ट पॉइंट 0 से 1 होती है, और सेकंड पॉइंट देखिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैन बी फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल हो सकता है, बिल्कुल। अभी हमने किया ना 1/2 वैल्यू आई थी 0.5 वाली, और एक 1/ कितना था 3/10 आया था, तो वो भी तो 0.3 अमोनिया ही केस में, तो दोनों फ्रैक्शनल है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है बिल्कुल, ये तो कॉमन सी चीज है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड पॉइंट, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट भी नहीं होता, ऑब्वियस है, गिवन नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, दोनों कट कट आ गए, बचा क्या? कुछ भी नहीं, इसलिए इसके नंबर ऑफ मोल नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएगा इसका, दैट्स इट। समझ में आ गया बेटा इस सारों को, है ना, ये सबको समझ में आ गया होगा? अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड, ओके बेटा, नेक्स्ट स्लाइड जो है ये हम पहले कर चुके हैं, केसी और क्यूसी के बीच में, क्यूसी अगर छोटा होता है तो रिएक्शन क्यूसी बड़ा बनना चाहेगा, केसी की तरफ जाना चाहेगा, इनक्रीज
प्रोडक्ट विल इंक्रीज, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन। ये कल किया था भी, याद है सबको, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। नेक्स्ट, क्यूसी अगर बड़ा है तो प्रोडक्ट डिक्रीज होंगे, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन होने वाली है, बैकवर्ड। और अगर क्यूसी और केसी बराबर हैं तो इसका मतलब नो चेंज, इसका मतलब इक्विलिब्रियम। ये तो पता होगा, लेसन का नाम इक्विलिब्रियम है। यस गाइस, समझ में आ गया बेटा सबको? यस ये हम पहले कर चुके हैं, नो डाउट टू इट। अब बारी आती है क्वेश्चंस की, ठीक है? अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ध्यान से देखना भाई। क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या होता है, टू प्रूव क्या होता है, अगर ये चीजें पता लग जाए और फॉर्मूला क्या लगेगा तो समझ लो क्वेश्चन आपके हाथ में आ गया, ठीक है? तीन ही चीजें चाहिए, गिवन, टू प्रूव और क्या फॉर्मूला लगेगा। तो वही चीजें ढूंढनी होती हैं, किसी भी क्वेश्चन में वही चीजें ढूंढनी होती हैं। उसको ध्यान से, उसका थ्योरेटिकल पोर्शन, उसकी अप्रोच अगर पता है तो आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। उसने क्या बोला, देखो एक वेसल है 10 लीटर की, तो वॉल्यूम उसने दे दिया 10 लीटर, ठीक है? वॉल्यूम दिया है 10 लीटर, पूरी वेसल बंद है, ऑब्वियस है। अगर मैं यहां पर बनाऊं कि वेसल बंद है, ठीक है, वेसल बंद है, 10 लीटर की वेसल है, तो यहां पर 10 लीटर है। Was filled with 6 mole of Sb2S3, तो यहाँ एंटीमनी होता है Sb2S3 सल्फर, और ये क्या बनाता है, इसके 6 mole है अपने पास, ठीक है, एंड 6 mole ऑफ H2O2, तो 6 mole तो इसके हैं और 6 mole ही H2 के भी 6 mole है, दोनों के 6 mole, तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे लिख लेते हैं, हाइड्रोजन के मोल भी दिए हुए हैं 6 mole, ठीक है, टू अटेन द इक्विलिब्रियम। तो एक वेसल है फिल्ड विद द 6 mole ऑफ SbO2 एंड हाइड्रोजन टू अटेन द इक्विलिब्रियम एट 440 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर दे रखा है। अब नीचे रिएक्शन दे रखी है, अब रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बैलेंस्ड रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, याद रख लेना। तो इस रिएक्शन के अंदर देखो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक तो ये सॉलिड है तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, एक ये सॉलिड है ये हमारे किसी काम का नहीं है, यानी बैलेंस डिवीजन में इनको तो हम देखने वाले हैं नहीं, सिर्फ लिक्विड्स को देखेंगे, याद रख लेना, ओनली लिक्विड विल बी कंसीडर्ड, ठीक है, या गैस विल बी कंसीडर्ड। तो यहाँ पे गैस है, यहाँ पे भी गैस है, तो यानी अपने को सिर्फ दो ही चीजें देखनी है, 3 mole हाइड्रोजन, 3 mole H2S, 0, डेल्टा एन की वैल्यू आ रही है 0, ये भी क्लियर है। क्या होता है डेल्टा एन जी, पता होगा? गाइज, डेल्टा एन 0, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना गैसीय स्टेट के अंदर, तो ये 0 आ गया। आफ्टर इक्विलिब्रियम H2 इज फॉर्मड विद द एनालाइज्ड विद बाय डिसॉल्विंग इट इनटू द वाटर। अब ये कह रहा है इक्विलिब्रियम आ गया, अब उसने क्या किया कि H2S जितने भी मोल बनी थी, H2S गैस फॉर्मड वाज एनालाइज्ड, इसको जांचा गया बाय डिसॉल्विंग इट इन वाटर ट्रीटिंग विद द एक्सेस ऑफ PbO2 पॉजिटिव, इसके साथ में रिएक्शन करवा दी। सीधी सी बात ये कह रहा है कि H2S की रिएक्शन मैंने करवाई PbO2 पॉजिटिव के साथ, और क्या आया मेरे पास आंसर, तो मेरे पास Pb और S बन गया, मतलब जितना भी सल्फर था वो H2S में, जितना भी सल्फर था। अब मान लो कि H2S में एक मॉलिक्यूल होता है, ये तो हमें पता है, H2S के एक मॉलिक्यूल के अंदर सल्फर कितना है, सल्फर 1 एटम है ना, तो 1 moles में कितना होगा भी सल्फर, 1 mole में 1 mole होगा सल्फर। यस, ये चीज समझ में आ गई सबको, ये चीज क्लियर हुई, यस और नोट, जल्दी से इसका आंसर दीजिए मुझे। यस सर, ठीक है, यस सर। तो अब ओके बेटा, थैंक यू। तो इसका मतलब यहां से मैं मोल्स का हिसाब कर सकता हूँ आसानी से, तो अब देखिए जरा क्या होगा, H2S और PbS, मतलब जितना PbS बनेगा उसमें जितना भी सल्फर आएगा उतना ही सल्फर H2S में था, तो जितने मोल सल्फर के आएंगे PbS के, जितने मोल PbS के आएंगे उतने ही मोल क्या था, H2S था, क्योंकि 1 mole H2S से 1 mole PbS बन रहा है अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, ठीक है? तो ये अब आपको पता होना चाहिए, 1 mole H2S से 1 mole ही PbS बन रहा है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं इसी में।
टू गिव 720 ग्राम ऑफ पीबीएस। अब इसने बता दिया कि पीबीएस जो बना है ना वो 720 ग्राम बन गया, तो इसके नंबर ऑफ मोल निकाले जा सकते हैं ना, गिवन मास बाय मोलर मास, याद है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इक्वल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल। तो सोचो भाई पीबीएस का अपने को ग्राम में वैल्यू पता है, तो नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो। इसका मोलर मास पीबीएस का इसने बोला 240 ग्राम पर मोल ले सकते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट कितना भी हो लेकिन उसने खुद दे रखा है। तो मैं इसके नंबर ऑफ मोल निकाल सकता हूँ, 720 डिवाइडेड बाय 240 कितना आ जाएगा, 3। तो सीधा सीधा 3 मोल आ गया। इसका मतलब क्या है, तो यहां पर एक चीज हमें अब समझ में आएगी कि अगर ये 3 मोल है, ये 3 मोल बना, इसका मतलब ये 3 मोल ही यूज हुआ था, समझ में आ गया। तो मुझे H2S का अमाउंट से सल्फर का अमाउंट पता लग गया, यहां पर H2S के अंदर सल्फर जो था यानी H2S जो था वो 3 मोल था, यानी जो रिएक्शन में दे रखा है बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर, आइडियल बैलेंस्ड इक्वेशन में जो दे रखा है वही सच में हुआ था, वही मोल थे। ये कम या ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन इस केस में यही मोल आ रहे हैं। यस क्लियर है बेटा ये सबको? यस सर। क्या कहा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केसी? तो केसी निकालना अब आपको, केसी कैसे निकालते हैं अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो सिंपल मैं बताता हूँ केसी को निकालने के लिए क्या तरीका बनाए, ठीक है। इसने फिर से रिएक्शन दे रखी, मैं इसी रिएक्शन को देखूंगा। यहाँ सोलिड है इसको नहीं देखने वाला, ठीक है, ये सोलिड है इसको भी नहीं देखने वाला, ठीक है। केसी क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, गैसेस फॉर्म के अंदर डायरेक्ट देख लो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या आएगी, सोचो, प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन H2S रेज टू देयर पावर ऑफ 3 है ना, इसमें वो बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, डिवाइड में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू देयर पावर ऑफ 3, ये भी 3 आएगा H2S का, ठीक है। तो ये तो दोनों सही सीधे हो गए। अब हमें KC ढूंढना था और KC के लिए क्या चाहिए, H2S के नंबर ऑफ मोल पर लीटर चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल H2S के निकल गए थे 3 मोल निकले थे पर लीटर, टोटल वॉल्यूम 10 मोल है आपके पास, है कि नहीं है? हाँ भाई क्लियर है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे कैसे निकाल सकता हूँ, 3 मोल पर 10 लीटर और इसकी पावर बन गई 3, डिवाइड में आएगा H2। हाइड्रोजन के कितने मोल हैं देखो जरा, H2 के मोल अगर इसके 3 मोल बन रहे हैं तो बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसके भी 3 ही मोल बनेंगे, ऑब्वियस है। या फिर इसे निकाला भी जा सकता है कैसे, कि मुझे पता लग गया कि H2S के 3 मोल है, H2S 3 मोल, ये हमने निकाल लिए। अब मैं बैलेंस्ड इक्वेशन में देखूंगा कि अगर 3 मोल H2S होता है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग है, तो 3 मोल ही हाइड्रोजन जो था वो हाइड्रोजन यूज हुआ था 3 मोल, और मुझे पता 1 मोल के लिए और 3 मोल क्योंकि H2S 3 मोल यूज हुआ है एक्चुअल में, तो 3 मोल के लिए कितना होगा, 3 by 3 into 3, 3 से 3 कट जाएगा 3, वो बार बार वही चीज आएगी, तो वो देख के ही सीधा बता सकते हैं आप। ये बात समझ में आ गई, इसके भी 3 मोल ही हैं, टोटल सॉल्यूशन कितना था 10 लीटर ही था, तो 3 डिवाइडेड बाय 10 इसका भी आएगा रेज टू देयर पावर, क्लियर है? कट गए, केसी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। हाँ भाई समझ में आया ये क्वेश्चन, सबको समझ में आया? किसी को डाउट है तो बताइए बेटा, एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। सर इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट केसी की यूनिट यहाँ इस केस के अंदर तो 0 आएगी, कोई यूनिट नहीं है क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ मोल जो मोलैरिटी थी, मोलैरिटी से मोलैरिटी सीधा कट रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ओके सर, हाँ इस केस में कुछ नहीं आएगी लेकिन कुछ हो सकती थी। तो देखो इन्होंने जैसे सॉल्व कर रखा हम उसको भी देखने वाले हैं। तो यहाँ क्या था, वॉल्यूम था 10 लीटर, टेम्परेचर इसने दे रखा है गिवन, ये गिवन इक्वेशन दे रखी है, स्टेप 1 में ये गिवन ही निकाल रहा है मोल ऑफ, देखो मोल ऑफ SB2 और S3 और H2, ये दोनों के 6-6 मोल दे रखे हैं, ठीक है, ऑल हैव 6 मोल्स। अब इसने यहाँ पे 6 मोल दिए थे और हमने यहाँ पे 3 मोल निकाला, ये कुछ गड़बड़ नहीं कर दी हमने, क्या हमने गड़बड़ की है कुछ, सोचो जरा। 6 मोल उसने दिए थे कि 6 मोल SB2 S3 एंड 6 मोल ऑफ H2, दोनों के 6 मोल हैं,
ठीक है, आफ्टर इक्विलिब्रियम H2S इज फॉर्मड बाय द एनालिटिकल डिसॉल्वड इन द वाटर एंड ट्रीटिंग विद द PbO2 720 ग्राम ऑफ PbS, जितना S बनेगा 6 मोल है हाइड्रोजन H2 के भी उतने ही मोल बनेंगे S, जितने मोल बनेगा 3 मोल ये बन रहा है, 3 मोल ये बनेगा, 3 मोल हमने सही निकाला यार, गलत क्या कर दिया, देखते हैं। तो देखो मास ऑफ द PbS इक्वल 720, मॉलिक्यूलर मास PbS 240 ग्राम, ये उसने दिया है 720, ये PbS का मास बनेगा। टू फाइंड केसी फाइंड करना है, ये सेकंड स्टेप है, अभी तक तो इसने गिवन ही दिया, ठीक है। मोलर मास ऑफ PbS 240 ग्राम है, तो 720 ग्राम वी हैव मोल्स ऑफ PbS, PbS के मोल निकाल लिए 3 मोल, ये हमने भी सही निकाल लिए, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जितना 3 मोल PbS है उसमें सल्फर कितना है, सल्फर के मोल भी 3 होंगे, तो मोल ऑफ H2S भी 3 आएंगे, उसने 6 दिया था, ये क्या गड़बड़ है, ठीक है। 3 मोल H2S बनेगा, वो इक्विलिब्रियम पर बनेगा सच, ठीक है, और वो उसने दिया था इनिशियल, ठीक है अब मुझे क्लियर हो गया, वो इक्विलिब्रियम पर बनेगा और ये इनिशियल, ये आप लोगों को भी क्लियर होना चाहिए कि हमने निकाला क्या है ना, ये है इनिशियल नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन के और इनके, लेकिन जब इक्विलिब्रियम बना तो वो 3-3 मोल रह जाएंगे, और हम इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन ही निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए आगे क्या होगा, 3 मोल आगे, कंसंट्रेशन ऑफ H2S एट इक्विलिब्रियम विल बी 3/10, तो 3/10 कंसंट्रेशन होगी 0.3, तो ये भी हमने सेम यहाँ पर यही तो किया था, देखो 3/10 ही ली थी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो डायरेक्टली वही आगे 3/10 H2S की इक्विलिब्रियम के ऊपर, ये इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन है, हमें गिवन था H2S की वैल्यू हमें दे रखी थी, H2S ही दिया था ना, नहीं हाइड्रोजन दिया था, H2S नहीं दिया, इसको नहीं लिखेंगे फिर, H2S हमें दे रखा था, वैसे हाइड्रोजन दे रखा था, वो 6 मोल था, लेकिन यहाँ H2S बनेगा 0.3 मोल। आगे बढ़ते हैं, फिर से इक्वेशन लिया, इनिशियली मोल ऑफ H2 के शुरुआत वाले मोल थे 6 थे, एट इक्विलिब्रियम वी हैव 6 माइनस एक्स मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड एक्स इनटू, अब ये इक्विलिब्रियम पर कैसे बनेगा, तो ये इसके लिए इक्वेशन लिखनी पड़ेगी भाई, ताकि आपको वो सोल्व हो जाए, हमने जो किया है मैंने वो डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि इन्होंने बहुत सीधा क्वेश्चन दे रखा है बेटा, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊट पटांग दिया हो तो हमें थोड़ा सा करने में तकलीफ होगी, तो हम फिर बिल्कुल सीधी सलाह से चलेंगे। देखो ये हमने निकाल लिया था कि H2S के 3 मोल होंगे इक्विलिब्रियम के ऊपर, लेकिन यहाँ पर मान के चलो इसके 6 मोल थे, इसके 6 मोल थे, ये गिवन था, ठीक है, और इनके मोल क्या थे, 0-0 मोल थे, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर क्या मोल आ जाएंगे इसके, 6 माइनस मान के चलो एक्स मोल, 1 लगा हुआ है इसके तो 1x ही लगेगा, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, ये करना चाहिए हर इक्वेशन में, मैंने नहीं किया फिर भी आंसर सही आ रहा है, ये बता देता हूँ क्योंकि ये ज्यादा ही सिंपल सम है, 6 माइनस 3x, यस बेटा ये समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन, तो यहां पर ये जो लिखा हुआ है माइनस में है, ये 3x हाइड्रोजन के, x माइनस 3, पता नहीं क्या लगा रखा है इसने, हाइड्रोजन के ये वाले मोल नहीं बनेंगे, x इक्वल 3 वो बाद की बात है, एंड हाइड्रोजन 6 माइनस 3x, और इसके बाद नेक्स्ट इसके कितने बनेंगे 2x, इसके कितने बनेंगे 3x, हाँ भाई क्लियर है ये सबको, यस सर। अब ये 3x की वैल्यू आप लोगों ने निकाल ली थी, 3x किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है कि नहीं है, 3 मोल थे ना H2S के, हमने निकाले थे पीछे, अभी ये देखो H2S के मोल, H2S के मोल 3 मोल निकाल लिए थे हमने, कैसे निकाले थे 3 मोल, ये रे भाई जितना PbS बनेगा उतना ही H2S बनेगा, तो इसलिए 3 मोल आ रहे थे, दैट्स इट। तो यहां पर ये 3 मोल है, तो x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू 1 भर दो, सबके नंबर ऑफ मोल एग्जैक्ट नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे, तो यानी कि इक्विलिब्रियम के ऊपर इसके मोल कितने रह गए थे, इसके मोल रह गए 5, इसके मोल कितने रह गए, इसके मोल रह गए 3, और ये 3 आ रहा था, हमारा भी 3 आ रहा था, है ना, मैंने बोला हाइड्रोजन 3 मोल है, उसने गिवन 6 दिया है, ये क्या चक्कर है, वो इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन थी, ठीक है, और इसके मोल कितने आ जाएंगे, ये आ गया 2, और उसके मोल कितने आ जाएंगे, ये 3 है, ये तो हमने निकाल ही लिए थे, पहले से निकले हुए हैं, यस समझ में आ गया बेटा। अभी मोल पता है तो क्या करें, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर ऑफ कंसंट्रेशन, यहाँ केसी पूछा उसने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, तो सिर्फ गैसेस टर्म्स वाले ही लेंगे, ठीक है, ये गैसेस वाले,
only gases will be considered. So yeah, only gases. Product raised to the power of concentration, reactant raised to the power of concentration, jo power of concentration in term of coefficient, ye coefficient ki power ho jayegi, divide karein kaise ki value one aa jayegi. सोल्व इन्होंने भी वैसे किया, हमने थोड़ा जल्दी कर दिया, लेकिन प्रोसेस ये होनी चाहिए. ठीक है, वो शॉर्टकट है, जब आपको थोड़ा सा आ जाएगा तो आप भी शॉर्टकट लगाना सीख जाओगे. तो मैं उसको डिनाई करता हूँ, आई विल नॉट फॉलो दैट. तो सीधी सी बात है, हमने यहाँ पर जो किया, इनकी कंसंट्रेशन डायरेक्टली हमने निकाल ली, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन भी डायरेक्टली निकाल ली थी. उस मेथड से निकालें तो ज्यादा बेटर होगा, फिर भी आपकी मर्जी है, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है. यस, समझ में आ गया क्वेश्चन सबको, आगे बढ़े. इसी तरह के कम से कम पांच पांच क्वेश्चन, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इक्विलिब्रियम वाले लेसन के, एनसीईआरटी के पांच पांच क्वेश्चन उठा के करना शुरू कर दो बेटा, ताकि आपको वो ज्यादा जल्दी जल्दी समझ में आए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब जरा. तो नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर. ठीक है, ये भी मजेदार क्वेश्चन है. फॉर द इक्विलिब्रियम LiCl और 3 अमोनिया सोलिड फॉर्म में, तो मतलब हमारे काम का तो नहीं है. LiCl और 1 अमोनिया सोलिड, ये भी सोलिड है, सिर्फ एक ही गैस है, यही है गैस. ठीक है, यही हमारे काम का, 2 अमोनिया बाहर निकल गए. अब इसने बोला, गिवन देखो क्या क्या है, केपी है 9, तो केपी की वैल्यू दे रखी है इक्वल टू 9. ठीक है, एट 37 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, डिग्री सेल्सियस वैसे हमें इसका कोई ज्यादा मीनिंग नहीं होता है टेम्परेचर, बट इस क्वेश्चन में हम इसको मीनिंग से लेंगे. 37 डिग्री सेल्सियस, लीटर वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम है 5 लीटर. ठीक है, कंटेन्स 0.1 मोल ऑफ LiCl NH3, LiCl डॉट NH3 कितना है, 0.1 मोल. ठीक है, of the how many mole of ammonia should be added to flask at this temperature, इसी टेम्परेचर के ऊपर कितना अमोनिया और एड करूं फ्लास्क में टू डिराइव द बैकवर्ड रिएक्शन. मुझे बैकवर्ड रिएक्शन डिराइव करनी है, टू डिराइव बैकवर्ड रिएक्शन, हाउ मैनी मोल्स ऑफ अमोनिया शुड बी एडेड, कितने मोल अमोनिया एड होना चाहिए कि ये रिएक्शन बैकवर्ड चली जाए. ठीक है, उसने केपी दे दिया और कंसंट्रेशन दी है 1 मोल, इतना था कंटेन्स 5 लीटर वेसल के अंदर, इतना है ये. और साथ में टू कंप्लीट यूज आर, आर की वैल्यू 0.082 यूज करनी है. तो देखो भाई, वो पूछ क्या रहा है उसको तो बाद में देखेंगे, पहले ये देखो केपी क्या होता है. प्रोडक्ट रेज टू देयर पावर ऑफ कंसंट्रेशन, यही होता है ना, NH3, इसका प्रेशर, प्रेशर ऑफ NH3 रेज टू देयर पावर ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि 2 लगेगा. डिवाइड में रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कोई है ही नहीं, कोई गैसेस रिएक्टेंट है क्या, जल्दी से बताइए. नो सर. यस, कोई गैसेस रिएक्टेंट नहीं है, सारे सॉलिड हैं, और प्रोडक्ट में भी एक ही रिएक्टेंट है जो गैस फॉर्म में, तो बस बात खत्म होगी, अपना केपी आ गया सीधा केपी आ जाए. और केपी उसने दे रखा है, आने की क्या जरूरत है उसकी, केपी दे रखा है उसने, नो, ये गिवन है. प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, यहां से आपको क्वेश्चन सोल्व होता हुआ नजर आएगा, वो पूछ रहा है, वो बाद की बात है. तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन का स्केयर है, इस स्केयर को दूसरी तरफ ले जाऊं, अंडर रूट 9 इक्वल टू प्रेशर ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन बोल रहा हूं मैं, अमोनिया, तो ये इक्वल क्या आ जाएगा भाई, इक्वल 3 आ जाएगा. क्लियर है, यानी कि इसका मुझे प्रेशर पता है, कितना है प्रेशर, 3. अब 3 क्या है, एटमोसफेयर है, मोल है, क्या है वो पता नहीं है, एटमोसफेयर है, एटमोसफेयर में एटीएम में आ रहा था ना, एटीएम. यस बेटा, 3 एटमोस्फेरिक प्रेशर है अमोनिया का, ये हमें पता लग गया. केपी हमें पता है, अमोनिया का एटमोसफेयर प्रेशर जो था ये हमने निकाल लिया, अमोनिया का प्रेशर इक्वल कितना है, ये सारा डाटा, ऊपर वाला सारा डाटा क्या है, गिवन है, ये गिवन है. ठीक है, ये गिवन है, और ये हमने निकाला है 3 मोल, 3 एटीएम, ये फाइंड किया. ठीक है, ये चीज आपको क्लियर कट पता होनी चाहिए, क्या चीज गिवन है, क्या चीज फाइंड करनी है, क्या चीज फाइंड की है. तो यहाँ एक सेपरेशन लाइन भी लगा देते हैं. यस, ये समझ में आ गया, इतना डाटा अपने पास है. ठीक है, 3 एटमोस्फेयर प्रेशर, वॉल्यूम पता है, प्रेशर पता है, K
केपी पता है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ एल आई सी एल एन एच थ्री पता है, तो एल आई सी एल एन एच थ्री के कितने मोल है, 0.1 मोल है। देखो तो यहां इक्वेशन देखो जरा ध्यान से, वन मोल एल आई सी एल एन एच थ्री, एन एच थ्री वाला, ये थ्री काउंट नहीं होगा, जो सबसे पहले लगा वो काउंट होता है, इससे वन मोल ही एल आई सी एल एन एच थ्री बनेगा और टू मोल डबल बनता है अमोनिया। तो अगर आपके पास एल आई सी एल एन एच थ्री के मोल हैं तो उसके डबल होंगे अमोनिया, तो आपके पास में ये मोल ऑलरेडी है। कितना है ये इसने गिवन कर रखा है, कितना मोल है भाई, 0.1 मोल दे रखा है ना, यही दे रखा, प्रोडक्ट ही दे रखा है, तो इसके मोल कितने हो जाएंगे, ये गिवन है। अगर ये इतना बना एल आई सी एल तो ये उसका डबल बनेगा, डबल हो गया 0.2 मोल है ना, और ये हमने फाइंड कर लिया, ये हमने ढूंढ लिया, फाइंडेड, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास अब काफी सारा डाटा इकट्ठा हो गया। अब इस डाटा करना क्या है, उसने बोला कि क्या करें कि बैकवर्ड डायरेक्शन चली जाए, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाए, तो कितने मोल ऐड करूं इसमें, ठीक है, तो कि रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे। देखो यहाँ इसने केपी की वैल्यू दे रखी है, स्टेप वन के अंदर केपी दिखा रखा है, वही सेम टू सेम है, क्यों उसी, ये बड़ा होगा छोटा होगा, क्या करना होगा हमें, उसको रिवर्स डालना होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो सेंस क्यूसी और केपी ये एक ही चीज है, ठीक है, तो क्यूसी क्या होता है, प्रोडक्ट रेस टू देयर पावर ऑफ कंसंट्रेशन ए, और यहाँ पर रिएक्टेंट की पावर ऑफ कंसंट्रेशन बी, ये थोड़ा फॉर्मूला गलत लिख रखा है, नथिंग स्पेशल इन दिस, ये भी वही बकवासी कर रखी है। नेक्स्ट उसने केपी की वैल्यू निकाल के 9 निकाल रखा है, ये 9 इक्वल टू, और यहाँ 3 atm इसका प्रेशर फाइंड कर रखा है, ठीक है भाई, क्लियर है ये सबको, ये सिर्फ इतना है, यहां तक तो हम फाइंड कर चुके हैं पहले ही, सही है, यस सर, है ना। आगे बढ़ते हैं अब इससे, इसमें तो कुछ है नहीं। पांचवा स्टेप देखो इसने क्या लिखा, फिर से वो रिएक्शन लिख दी, ऐसे ही फालतू में इधर उधर घुमा रहा है ना, कैलकुलेटेड यूजिंग द इक्वेशन, स्टेप नंबर 6 दैट इज इंपॉर्टेंट टू अस। अब जितना डाटा था यहाँ उगल देंगे हम, प्रेशर हमें पता है, जो हमने नहीं, हमने प्रेशर निकाला 3 atmosphere प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर 3 atm निकाला, अमोनिया का निकाला, ऑब्वियस अमोनिया के अलावा कोई गैस भी नहीं है, है ना, तो सिर्फ अमोनिया का कुछ चलेगा। फिर उसके बाद में पीवी इक्वल एनआरटी, वॉल्यूम पता है आपको 5 liter वॉल्यूम उसने दिया था, नंबर ऑफ मोल्स गैस के नहीं पता कितने हैं, क्या अमोनिया के नंबर ऑफ मोल पता नहीं थे क्या, पता थे, ये रहे 0.2 मोल हैं अमोनिया के इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो उसने एल आई सी एल एन एच थ्री की डेफिनेशन दी है, तो हमें पता था कि नंबर ऑफ मोल जो है वो 0.2 मोल है, ये तो तब है जब वो इक्विलिब्रियम में घूम रहे हैं, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं पीवी इक्वल एनआरटी, इसको आइडियल गैस के हिसाब से इसके नंबर ऑफ मोल कितने होने चाहिए वो हम निकालेंगे। फर्दर आर और टी की वैल्यू पता है, तो डेफिनेटली मैंने इसको पीवी इक्वल एनआरटी के अंदर पुट कर दिया, 3 × 5 आ गया, एन इंटू 0.0821 × 310, यहां पर 310 लगेगा, ये क्या, चलो मैं इसको पूरा काट देता हूं, है ना, ये 310 है, ठीक है, मल्टीप्लाई में, और यानी 0.6 मोल होंगे अगर ये पीवी इक्वल एनआरटी के हिसाब से आइडियल गैस हो, इस कंपोजिशन के अंदर जो यहां दे रखी है 3 atmospheric गैस का प्रेशर है, वॉल्यूम होना चाहिए 5 liter और n होने चाहिए 0.6, लेकिन हमारे पास है 0.2, तो टोटल कितने करें, इन दोनों को जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा 0.8 मोल होंगे, तो इक्विलिब्रियम जो है वो लेफ्ट टू राइट जाना शुरू हो जाएगा, गैस का प्रेशर बढ़ जाएगा, कितना बढ़ना चाहिए, कम से कम 0.6 0.8 टोटल अमोनिया के मोल इतने रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, तो कम से कम आपके पास में 0.6 मोल और होने चाहिए जिससे उसका प्रेशर बढ़ जाए और वो इस तरफ खिसक जाए। यस, ये समझ में आया सबको, यस गाइस, ठीक है, दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बस इतना ही है इस क्वेश्चन के अंदर, नथिंग स्पेशल। आगे बढ़ते हैं,
थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब बात करेंगे भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की, क्या होता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल रिएक्शन विल बी प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली फॉरवर्डेड बाय इट लीड्स टू द लोअरिंग ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी की वैल्यू जो है अगर नेगेटिव होती है तो रिएक्शन क्या होती है स्पॉन्टेनियस। यही वैल्यू है स्पॉन्टेनियस वैल्यू, स्पॉन्टेनियस होगी यही वो बता रहा है इस लाइन में, नथिंग स्पेशल फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन। अब एक रिएक्शन ले ली इसने एबीसीडी वाली गिब्स फ्री एनर्जी। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हम करने वाले हैं, ये तो आपको पता है ठीक है। डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए तो स्पॉन्टेनियस होती है रिएक्शन, तो इस फॉर्मूला में कुछ नहीं रखा। अब हम जरा क्या कर रहे हैं ये देख लेना, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो होता है आपको एक फॉर्मूला दिया इसने, क्या होता है वो, डेल्टा जी इक्वल होता है डेल्टा जी नोट प्लस आर टी नेचुरल लॉग क्यू। क्यू वो क्यू सी वाला क्यू है ठीक है, तो मैं इसको फिर से यहां पर लिख रहा हूं, डेल्टा जी इक्वल डेल्टा जी नोट प्लस आर टी, सीधा फॉर्मूला है सीधा याद कीजिए, नथिंग इसमें कुछ सोचना नहीं है, नेचुरल लॉग क्यू सी। अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, हमें पता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट और प्लस में 2.303 आर टी और नेचुरल लॉग का लॉग बन जाएगा और क्यूसी हो जाएगा। यस समझ में आया, ये क्यूसी बन गया। जब लॉग से नेचुरल लॉग से लॉग बनाते तो क्यूसी हो जाता है, तो यहाँ इसने ये वैल्यू दे भी रखी है ठीक है, ये नेचुरल एक्स जो है वो लॉग समथिंग समथिंग हो जाता है, तो हम इस लाइन को नहीं देखने वाले। इसके बाद में देखो आगे क्या बोला, ये इसने यहाँ दे रखा है डेल्टा जी इक्वल जी नोट 2.303 आर टी नेचुरल लॉग से लॉग बन गया लॉग इनटू क्यू, क्यू सी लिख लो क्यू पी लिख लो, बात एक ही है। ये दूसरा फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला लॉग की टर्म में ये लॉग बना दिया। अब दोनों में से कोई एक याद रखोगे दूसरा अपने आप याद रहेगा, बट दोनों याद रखो ज्यादा बेटर है। अब हमें पता है डेल्टा जी अगर जीरो होता है तो इक्विलिब्रियम स्टेज होती है ना, क्यू इक्विलिब्रियम बन जाता है, क्यू जो है वो के बन जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाता है। तो अब मैं यहां पर इसको इसी की जगह पर लिखूंगा डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस 3 आर टी ठीक है, और लॉग यहां पर आ जाएगा के, के इक्विलिब्रियम वाला, कब, जब डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होगी, यानी यहां ये जब जीरो हो जाएगा डेल्टा जी जीरो, तो मैंने यहां पर इसको डेल्टा जी को जीरो लिख दिया। समझ में आ गया ये। अब डेल्टा जी को इस तरफ अगर ले आऊं तो नेगेटिव डेल्टा जी, नेगेटिव डेल्टा जी नोट विल बी इक्वल टू 2.303 आर टी और लोग, लोग की जगह हम नेचुरल लोग यूज कर सकते हैं, के इक्विलिब्रियम, दैट्स इट। तो ये फॉर्मूला एक तीसरा फॉर्मूला बनेगा जो यहाँ इन्होंने दिखा नहीं रखा, तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और डेल्टा जी नोट हमेशा जीरो नहीं होता इक्विलिब्रियम पर, जी नोट जीरो नहीं होता, जी जीरो होता, बट जी नोट स्टैंडर्ड फॉर्म वाला डेल्टा जी जीरो नहीं होता हमेशा, ये याद रख लेना। तो इसलिए ये फॉर्मूला बना। हाँ भाई ये फॉर्मूला समझ में आया, दैट इज द थर्ड फॉर्मूला जो कि इंपॉर्टेंट है। तो इस स्लाइड के अंदर तीन फॉर्मूलाज हैं, सीधा सीधा याद रख लिए। एक और फॉर्मूला डेल्टा जी इक्वल टू नेगेटिव एन एफ ई, एन एफ ई, ई जो है यहाँ पर नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ मोल्स है, ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एफ फेराडे होता है, एन एफ ई ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला है, बट जब आपके सामने आए तो इसको आप यूज कर सकते हो, बट मैं यहाँ नहीं लिखूंगा अभी ठीक है। That's it. तीनों पॉइंट समझ में आ गए बेटा सबको, तीनों फॉर्मूलाज आपको याद करने। अब हाँ जी क्लियर टू एवरीवन, इंपॉर्टेंट स्लाइड है ध्यान रख लेना। यस सर ठीक है, चलो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। ये चीज आपको पहले से पता, देखिए इन केस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है, डेल्टा जो है वो इक्वल क्या होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ठीक है, डेल्टा जी फॉरवर्ड डायरेक्शन का प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। स्टैंडर्ड कंडीशंस में क्या होगा, स्टैंडर्ड डेल्टा जी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा। डेल्टा जी अगर छोटा है जीरो से मतलब नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, अगर बड़ा है जीरो से तो नॉन स्पॉन्टेनियस, अगर जीरो के इक्वल है तो इक्विलिब्रियम। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी जानते हैं।
एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ द लेक्चर गाइज, इसके बाद हम क्लास ऑफ करने वाले बेटा, तो ध्यान से स्लाइड को कर लेना। ये क्या कहती है, ये बताती है, देखो जरा ध्यान से, मान के चलो यहाँ पर रिएक्टेंट है, ठीक है, ये इस जगह पर रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट का डेल्टा जी जो है वो कितना है, सपोज वो नेगेटिव में 100 है, डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए ना, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो तभी होती है, और हमें पता है इक्विलिब्रियम के अंदर, मान लो कि एक रिएक्शन है ए और वो इक्विलिब्रियम में है और वो बना रही है बी, तो बी का डेल्टा जी क्या होना चाहिए भाई, बी का डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए तभी वो बी ए बनाएगा, यस राइट है ये बात, yes, sir. और ए का डेल्टा जी भी नेगेटिव होना चाहिए ना तभी वो बी बनाएगा, दोनों का डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए तभी वो रिएक्शन जो है वो साइमल्टेनियसली चल सकती है, ठीक है। तो अभी इस कंडीशन के ऊपर आगे बढ़ते हैं जरा, तो मैंने मान लिया कि डेल्टा जी, क्योंकि काफी हाइट दे रखी है, देखो गिब्स फ्री एनर्जी इस तरफ इंक्रीज हो रही है, इसने लिखा गिब्स फ्री एनर्जी इस तरफ ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है, माइनस में इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इसको माइनस में इंक्रीज मानेंगे, और यहाँ जो है ये प्रोडक्ट है आपके पास में, ये रहे प्रोडक्ट, ठीक है, उसने खुद बोला ये है रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएंगे, साफ समझ में आता है, क्योंकि डेल्टा जी अब नीचे आएगा, यहाँ पर जीरो है भाई डेल्टा जी, ठीक है, या इस पॉइंट पर जीरो है, ये कह लीजिए प्लस भी हो रहा है यहाँ, तो इस पॉइंट के ऊपर जीरो है, मैं इसको रब करता हूं, तो डेल्टा जी की वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है याद रख लेना, पेपर में आ जाता होता है कई बार, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे पॉसिबल है जबकि डेल्टा जी दोनों तरफ से नेगेटिव होता है, ठीक है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है, यस बेटा ये समझ में आया होगा मेरा क्वेश्चन, ये उस क्वेश्चन का आंसर है कि आप कैसे कह सकते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन पॉसिबल होनी नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि डेल्टा जी तो दोनों तरफ से नेगेटिव तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, वो यहाँ आपको पता लगेगा, ये था, तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये डेल्टा जी की वैल्यू जीरो है, ये है जीरो, जीरो वैल्यू, और ये कुछ प्लस में वैल्यू होगी, डेफिनेटली नीचे की तरफ प्लस आएगा फिर, है ना, तो ये डेल्टा जी की वैल्यू जीरो है, डेल्टा जी इक्वल जीरो, यहाँ पर जीरो है वो, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का डेल्टा जी मैं मान लेता हूं कि वो भी माइनस में है, ऑब्वियस है ऊपर है, तो प्रोडक्ट का यहां से को तो मैं इसको माइनस टेन मान लू, यहां अगर इस सीध में लो दो, है ना, तो इसको मैंने मान लिया माइनस टेन, ऊपर वाला था माइनस हंड्रेड, अब जरा बताइए, यानी इसने खुद दिया डेल्टा जी लेस देन जीरो, ऊपर भी यही दे रखा है डेल्टा जी लेस देन जीरो, ऊपर की तरफ भी ये बढ़ रहा है जीरो, ऊपर बढ़ता जा रहा है, यहां पर उसने खुद लिखा है कि डेल्टा जी जीरो है, जिसको मैंने पॉइंट आउट किया। अब होता क्या है जरा ध्यान से सोचिए, 100 से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो 100 से डेल्टा जी नीचे आया और नीचे रुक नहीं पाया, जैसे कोई आदमी स्लाइडिंग से नीचे स्लाइड कर रहा है, और करते करते डेल्टा जी उसका फिर से माइनस चला गया, जीरो आया तो रिएक्शन रुक जानी चाहिए, ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, रिएक्शन रुक जाए, है ना, तो यहां पर रिएक्शन रुक नहीं रही है, रिएक्शन डेल्टा जी जीरो से पार चलेगी और वो फिर से माइनस हो गया डेल्टा जी प्रोडक्ट बन गया, माइनस हो गया, अब प्रोडक्ट क्या कहेगा, भाई मैं माइनस में नहीं रहना चाहता, वो भी स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, वो रिएक्टेंट बनाएगा, वो उल्ट वापस आएगा, लेकिन वो डेल्टा जी जीरो के पास आने पर रुकेगा नहीं, वो जीरो से और ऊपर और माइनस हंड्रेड में चला जाएगा। अब ये चीज हजम नहीं होती कि प्रोडक्ट की इतनी स्पीड कैसे हो सकती कि उस स्पीड में मतलब माइनस टेन से भी ऊपर और माइनस हंड्रेड तक पहुंच गया, ये पॉसिबल है क्या, यस, ये समझ में नहीं आता ना, बाकी सब समझ में आता है, चलो चलते चलते वो नीचे आ गया, फिर वापस माइनस वाला जो वो थोड़ा माइनस तक ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा, फिर धीरे धीरे करके जीरो पर आ जाएगा, रिएक्शन हमेशा के लिए रुक जाएगी। हाँ भाई ये बात समझ में आई सबको, yes. तो ये 100 वाला अब हमें समझ में नहीं आता कि 100 वाला तो चलो ठीक है वो माइनस 10 तक जा सकता, बट माइनस 10 वाला वापस 100 तक कैसे पहुंच जाएगा, इतनी दूर जाते उसको शर्म नहीं आई क्या, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको जरा ध्यान से देखना वो कैसे पॉसिबल है। ये कुछ ऐसा जी टाइप में, देखो ऐसे वाला करो, यूं है, तो जब वो ऊपर से नीचे आ रहा था ना, तो नीचे आ रहा था ठीक है, वो जी जीरो को पार करके और वो ऊपर यहां तक एंड तक पहुंच गया, अब जब उसे वापस जाना पड़ा ना, सोचो जरा, अब उसे वापस जाना पड़ेगा, तो यहां से एकदम से हाइक पे चला जाएगा, ये समझ में आया, एकदम से हाइक पे, क्लियर है ये बात,
पेंडुलम लगा लो, पेंडुलम है जो जरूरत से ज्यादा एकदम से ऐसे मुड़ गया, टेढ़ा मुड़ गया और फिर अचानक से एकदम ऊपर चला जाएगा, टेढ़ा मुड़ गया नीचे आया और फिर अचानक से एकदम ऊपर चला गया। यही होता है कि रिएक्शन रिएक्टेंट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बार बार कन्वर्ट होते रहते हैं, दोनों का डेल्टा जी नेगेटिव होता है और वो इस वजह से होता है। ये जो कर्व होता है ना, ये कर्व ही -10 से -100 तक पहुंचा देता है इसको, ये कर्व ही कुछ ऐसा टेढ़ा होता है। तो ये एज लाइक पेंडुलम की तरह होता है कि स्पीड में नीचे आया और यहां आके चलो ठीक है खत्म हो गया, उसके बाद में यहां से वापिस गया और एकदम से ऊपर आ गया, एकदम से ऐसे चढ़ता वो, एकदम से ऐसे, समझ गए? तो एकदम से फिसलता है, तो दैट इज वाई ये एकदम से ऊपर जाएगा। यही है डेल्टा जी नेगेटिव की कहानी, दोनों डेल्टा जी नेगेटिव होते हैं और इस वजह से रिएक्शन लगातार चलती रहती है। तो यहां मैं इस स्लाइड को पढ़ देता हूं, इक्विलिब्रियम ओक्योर एट द मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। इक्विलिब्रियम जो है डेल्टा जी की मिनिमम वैल्यू पर ओक्योर होता है, मिनिमम वैल्यू मतलब जीरो हो सकती है। सो व्हेन इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश द गिब्स फ्री एनर्जी इज मिनिमम, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो गिब्स फ्री एनर्जी मिनिमम होती है। द रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज फेसिबल इन द डायरेक्शन विच लीड्स टू लोवरिंग द गिब्स फ्री एनर्जी। तो वो उस डायरेक्शन में जाती है जहां लीड्स जो लीड करती है लोवरिंग गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी को कम करे, -10 से वो जीरो पर जा रहा है, ठीक है? तो यानी कि वो -10 से जीरो पर, जीरो डेल्टा जी जीरो को फेवर करता है, लोवरिंग को नहीं करता, ठीक है? -10 से जीरो पर जा रहा है, लेकिन ये जीरो को पार करता हुआ -100 पे पहुंच गया, -100 वाला फिर से जीरो जानता है तो वो वापस फिर -10 पर, और इस तरह से इनके बीच में हमेशा ये चलता रहता है और ये रिएक्शन कभी खत्म नहीं होती। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है बेटा, बाकी कुछ भी नहीं है बस, और इसको आपको समझाना है जैसे मैंने समझाया, आप अपनी थ्योरी लिखकर वैसे ही समझा सकते हो, बुक्स में भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। That's all for the today's lecture, guys. अब बताइए आप लोगों का क्या डाउट है बेटा, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है?